तो लास्ट क्लास हमने क्या बात किया था फिजिक्स में? तो लास्ट क्लास हम बात कर रहे थे सुपरपोजिशन की, हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और उसमें हमने देखा था टाइप्स ऑफ सुपरपोजिशन, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसके बाद कंसिस्टेंट में भी हमने दो टाइप देखे, क्या क्या? एक है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब ये जो चीजें हमने देखी थी ये तो कैलकुलेशन में हुआ, मतलब कॉपी पेन में, थ्योरी में था। अभी तक इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हुआ था। और ये सब किसने कहा था? ये सब जो बातें कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वाले, ये सारे पेन एंड पेपर में बोले गए थे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। तो इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किए थे किन्होंने? यंग साहब ने। ये यंग साहब जो थे ये हॉजन साहब के स्टूडेंट थे, और इन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाया। और उनका एक्सपेरिमेंट, अगर तुम फिजिक्स में टॉप 10 एक्सपेरिमेंट लो, टॉप 10 एक्सपेरिमेंट में YDAC एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि फिजिक्स में, जैसे कि आप लोगों को पता है, बिना प्रैक्टिकल के या बिना एक्सपेरिमेंट के कोई चीज का वैल्यू नहीं होता। वैसे कल सुबह उठ के मैं बोल दूं मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, वैसा तो हो नहीं सकता। तो मुझे वो कर बनने के लिए मुझे अपने आप को साबित करना होगा। वैसे ही अगर सुबह उठ के फिजिक्स में कोई कुछ भी बोल दे तो वो प्रूफ नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो यंग साहब का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसने फिजिक्स का जो डायरेक्शन है, या फिजिक्स को देखने का जो, या नेचर को देखने का, या लाइट को देखने का जो डायरेक्शन है वो ही बदल गया था। तो आज के क्लास में हम बात करेंगे इसी फेमस एक्सपेरिमेंट की, जो कि है YDAC, या फिर बोल सकते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको समझते हैं। उन्होंने क्या किया था, क्या किया था पहले देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया और उसमें दो स्लिट बनाए, दो स्लिट मतलब दो छोटे छोटे होल बनाए, और ये जो डिस्टेंस दो होल के बीच में था वो बहुत पास था, बहुत नजदीक था, ठीक है। और यहां पर एक बल्ब लगा दिए, बल्ब लगा दिए। तो यहां पे मैंने लास्ट क्लास ही बताया था ये एक सोर्स की तरह काम करता है, ये एक सोर्स की तरह काम करता है, S1 और S2। और इधर उन्होंने क्या रख दिया, एक बोर्ड रख दिया या फिर एक स्क्रीन रख दिया। और उन्होंने जब ये लाइट जलाया, उन्होंने इधर क्या देखा कि यहां पे कुछ जगह पे हमें बैंड्स ऑफ लाइट मिल रहे, मतलब यहां पे ब्राइट, फिर डार्क हो रहा है, फिर ब्राइट हो रहे, फिर डार्क हो रहा है, फिर ब्राइट हो रहा है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, एंड सो ऑन। मतलब यहां पे जो चीज मिल रही थी, यहां पे क्या होना चाहिए था, अगर दो सोर्स से लाइट जा रहा है तो ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट आना चाहिए, लेकिन यहां पे जो स्क्रीन में जो पैटर्न उन्हें देखने को मिल रहा था वो कैसा पैटर्न देखने को मिल रहा था, ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। मतलब ब्राइट में यहां पे लाइट दिख रहा था, यहां पे लाइट होता ही नहीं था, मतलब एक ब्लैक कलर का बैंड आ जा रहा था। वैसे यहां पे भी ब्राइट आ जाता था, फिर यहां पे डार्क आ जाता था, फिर यहां पे ब्राइट, फिर यहां पे डार्क, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो YouTube पे भी देख सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट पूरा एनिमेशन करके दिखाया गया है, नहीं तो मैं यहीं पे साइड में कहीं पे, अगर आप वीडियो में देख रहे हो इस क्लास को, मैं साइड में कहीं पे देख रहे होगे, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ऐसा पैटर्न उनको देखने को मिला था। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था, या तो प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये चीज को प्रूव कर दिया कि जो दो अगर कोहरेंट सोर्सेस है, दो अगर कोहरेंट सोर्सेस है तो यहां पे एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है और दूसरा एक डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज आ रहे हैं और डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंज आ रहे हैं। तो इसी से उन्होंने क्या बताया कि लाइट जो है वो वेव नेचर शो कर रहा है। अगर पार्टिकल नेचर खो रहा होता तो यहां पर डार्क फ्रिंज नहीं आ रहे होते, और इसी से उनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हो गया। तो और इसमें हमने कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, कुछ बेसिक्स कैलकुलेशन करने हैं। क्या कैलकुलेशन करने हैं कि ब्राइट फ्रिंज कितने दूर पे पड़ रहा है, मतलब कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है,
डार्क फ्रिंज कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी के रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, एक तो कहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और डार्क फ्रिंज बन रहा है, और दूसरा हमें देखना है कि कहां पे या फिर इनका फ्रिंज विड्थ कितना है, मतलब दो डार्क फ्रिंज के बीच का विड्थ कितना है या फिर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का विड्थ कितना है। अब फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज ये जो बैंड बन रहा है ना, इसी को हम फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, इसका विड्थ कैलकुलेट होना होता है और उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो स्टार्ट करते हैं YDSE एक्सपेरिमेंट या इसका डायग्राम। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, ये दो तीन मार्क का जो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये डेरिवेशन ही सिर्फ दो तीन मार्क के क्वेश्चन में आता है और उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी इसमें बनते हैं। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट क्लास जो चीजें पढ़ी थी उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए, सुपरपोजिशन के लिए हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होता था, या फिर पहले बोलो फेज डिफरेंस कितना होता था। फेज डिफरेंस हमारा होता था 2n पाई के फॉर्म में, और जो पाथ डिफरेंस होता था वो हमारा होता था 2n लैम्डा बाय 2 के फॉर्म में। और अगर हम यहां पे देखें, कंस्ट्रक्टिव हो गया, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन देखें, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, तो इसके लिए फेज डिफरेंस हमारा कितना होता था, फेज डिफरेंस जो होता था वो ऑड मल्टीपल मतलब 2n प्लस 1 पाई के फॉर्म में होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस हमारा कितना होता था, पाथ डिफरेंस भी ऑड 2n प्लस 1 बाय इंटू लैम्डा बाय 2, ये हमारा पाथ डिफरेंस होता था। ये हमने लास्ट क्लास डिराइव भी किए थे। चलो अब आ जाते हैं YDSE या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे। मान लो ये आपका क्या बन गया, दो सोर्सेस बन गए S1 और S2। ठीक है, ये आपका स्क्रीन बन गया, और इस बोर्ड से और इस स्क्रीन से जो दूरी है वो मान लो है कैपिटल D। ठीक है, मान लो यहां पे जो मेन सोर्स है S वो रखा गया है। अब मैं मान के चलता हूं यहां से इसका जो डिस्टेंस है S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं D। मैं क्या करता हूं, इसी के बीच में से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं और इसको नाम दे देता हूं, और यहां से इस पॉइंट S1 से यहां तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, और S2 से भी एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करता हूं। इसको मैं नाम दे देता हूं मान लो C, ये हो गया L, ये मान लो हो गया M। ठीक है, तो CL का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा D/2, और CM का डिस्टेंस हो जाएगा D/2। क्यों, ये टोटल D है, मैंने इसको दो इक्वल पार्ट में इसको तोड़ दिया। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, अब मान लो S1 से लाइट, इधर से लाइट कुछ ऐसे गया यहां पे गिरा, और S2 से भी एक रे ऑफ लाइट या वेव, रे तो नहीं बोलेंगे, वेव बोलेंगे। अब यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट पे मान लो लेट P पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पे मान लो जो P पॉइंट है वो C से कितना दूरी पे है, मान लो H दूरी पे है, कितने दूरी पे है, H दूरी पे है। ठीक है, ये C क्या है, सेंटर या बीच वाला बोल सकते हो, सेंटर ऑफ द टू सोर्सेस, दो सोर्सेस के बीच का सेंटर। अब इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, पाथ डिफरेंस, अच्छा ये वेव्स, अब देखो इसको समझना, वेव्स फ्रॉम S1 और वेव्स फ्रॉम S2 कहां पे मीट कर रहे हैं, P पे मीट कर रहे हैं। तो वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 मीट कहां पे कर रहे हैं, मीट एट P। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा,
पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना डिस्टेंस का, अगर देखो यहां से ये वाला डिस्टेंस और यहां से ये वाला डिस्टेंस, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, एस टू पी माइनस एस वन पी होगा या नहीं होगा। देखो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक तो ये रास्ता है दूसरा ये रास्ता है, तो मैंने इनके बीच का मान लो ये पॉइंट है ये पॉइंट है, इनके बीच का जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, मतलब मान लो ये 8 किलोमीटर डिस्टेंस है ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है पाथ का डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे, यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां का डिस्टेंस, तो मुझे पाथ डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस यहां पे पाथ डिफरेंस ऑफ दिस टू वेव्स हमारा कितना होगा, एस टू पी माइनस एस वन पी होगा या नहीं होगा। तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, एस टू पी माइनस एस वन पी। यहां तक समझ में आया या कोई डाउट? इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, एस टू पी का होल स्क्वायर ले लेता हूं माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर ले लेता हूं इक्वल टू, अब एस टू पी मेरा कितना हो जाएगा, एस टू पी जो डिस्टेंस है वो क्या है, ये वाला डिस्टेंस। एस टू पी मेरा क्या हो जाएगा, अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, कौन सा, एस टू पी एम, अगर ये वाला ट्रायंगल लूं तो एस टू पी मेरा कितना बनेगा, एस टू पी विल बी ये इसका स्क्वायर प्लस ये टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब एस टू एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा। तो एस टू एम हमारा क्या है, डिस्टेंस डी, तो डी का स्क्वायर प्लस पी एम का डिस्टेंस, पी एम का डिस्टेंस कितना होगा, एच प्लस डी बाय टू, तो एच प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? फिर होल में माइनस एस वन पी, एस वन पी क्या होगा, एस वन पी ये वाला डिस्टेंस, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लू, कौन सा, एस वन पी एल ये वाला ट्रायंगल, तो एस वन पी मेरा कितना हो जाएगा, एस वन एल प्लस एस वन एल का होल स्क्वायर प्लस पी एल का होल स्क्वायर, एस वन एल मेरा कितना हो जाएगा, कैपिटल डी, डी का स्क्वायर प्लस पी एल मेरा कितना हो जाएगा, टोटल पी से सी तक का डिस्टेंस है एच और एल से सी तक का डिस्टेंस है डी बाय टू, तो एच माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, एच माइनस डी बाय टू का होल स्क्वायर, ये होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अब इसी को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं, यहां पे सॉल्व करता हूं, तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी बाय टू का होल स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाय फोर, डी स्क्वायर बाय फोर प्लस टू एच डी बाय टू, मतलब टू टू गेट्स कैंसिल एच डी, ये होगा। फिर माइनस ब्रैकेट अगर दे, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर माइनस एच डी, ये होगा या नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे h प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर जो है उसको ओपन कर दिया यहां पे, और यहां पे h माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इसको यहां पे ओपन कर दिया। अब यहां से अगर मैं ब्रैकेट हटाऊं तो कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय फोर प्लस एच डी माइनस डी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर प्लस एच डी होगा या नहीं होगा। अब डी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, एच स्क्वायर एच स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, डी स्क्वायर बाय फोर गेट्स कैंसल्ड हो गया, तो बचा कितना, एच डी प्लस एच डी विच इज इक्वल टू कितना हो गया, टू एच डी हो गया या नहीं हो गया, होगा या नहीं होगा। यहां तक समझ में आया? चलो अब यहां पे और थोड़ा कैलकुलेशन है, तो यहां पे मुझे कितना मिला, एस टू पी का स्क्वायर माइनस एस वन पी का स्क्वायर इक्वल टू टू एच डी, इतना मिला ना, इसी को सॉल्व करते हुए आ रहे थे।
तो इसको मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ऐसे लिख लेता हूं, एस टू पी प्लस एस वन पी इंटू एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू कितना हो गया, टू एच डी होगा या नहीं होगा। यहां पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया। तो अब यहां पे अगर हम देखें एस टू पी प्लस एस वन पी, एस टू पी कौन सा है, एस टू पी ये वाला और एस वन पी ये वाला। अब यहां पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है, ये जो डिस्टेंस है, जो स्मॉल डी डिस्टेंस है, डी इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल डी। मतलब इसके बीच का, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इनके बीच का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, मान लो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाएगा। तो ये जो डी है ये बहुत बहुत छोटा होता है इस कैपिटल डी से। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, अगर हम इसको माने तो एस वन पी और एस टू पी लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। और अगर लगभग मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानूं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, डी और डी बनेगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर डालू तो यहां पे एस टू पी प्लस एस वन पी क्या हो जाएगा, टू डी। ये क्या है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, होल इंटू कितना हो गया, एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू टू एच डी। तो एस टू पी माइनस एस वन पी मेरा कितना हो जाएगा, 2HD होल डिवाइडेड बाय 2D, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो क्या हो गया HD बाय D। और यही हमें कैलकुलेट करना था, क्या था, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना था, क्या S2P माइनस S1P, और पाथ डिफरेंस कितना आ गया, इक्वल टू HD बाय D, ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया। समझ में आया या नहीं आया, डायग्राम से ही तो समझेंगे। चलो अब अगर मैं ये मान लू यहां पे इस P पॉइंट पे क्या हो सकता है, P पॉइंट पे आइदर डार्क फ्रिंज आ सकते हैं, मतलब वहां पे डार्क हो सकता है या फिर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि दो वेव अगर मिल रहे हैं तो वहां पे आइदर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा। लेट मैं मान के चलता हूं, अगर लेट P पॉइंट, P इज ए डार्क पॉइंट, डार्क पॉइंट मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, मतलब वहां पे डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा होगा, हो रहा होगा ना डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो पाथ डिफरेंस, देन पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो जाना चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 1 प्लस 1 लैम्बडा बाय 2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस 1 लैम्बडा बाय 2। और अभी हमने पाथ डिफरेंस फॉर पी कैलकुलेट किया, कितना है एच डी बाय डी, तो देयरफॉर एच डी बाय डी, सॉरी एच स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 1 प्लस 1 होल इंटू लैम्बडा बाय 2 होगा या नहीं होगा। तो H ये D अगर आपको पता है, दो सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस पता है और ये प्लेट दो स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस पता है, H विल बी इक्वल टू कितने सेंटर से कितने दूरी पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो H है। तो H विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n + 1 इंटू लैम्बडा बाय 2 इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल D होगा या नहीं होगा। तो सेंटर से या सेंटर पॉइंट से अगर यहां पे पी पे डार्क फ्रिंज बन रहा है तो कितने दूरी पे बनेगा, 2n + 1 लैम्बडा बाय 2 डी बाय कैपिटल डी। और एन हम क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी ले सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया, तो हाँ अब अगर मान लो P डार्क ना होके ब्राइट फ्रिंज होता,
लेट पी यहां पे क्या हो जाता, पी हमारा, लेट पी इज ए ब्राइट पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, पी हमारा क्या हो गया ब्राइट पॉइंट। देन पाथ डिफरेंस क्या मतलब एच डी, देन एच डी बाय डी विल बी इक्वल टू कितना हो जाता, 2n लैम्बडा बाय 2, 2n लैम्बडा बाय 2 ये हो जाता। तो दैट इंप्लाइज h विल बी इक्वल टू कितना, 2n लैम्बडा बाय 2 इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये आपको सेंटर से मिल जाएगा। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, हाइट से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास करेंगे क्वेश्चंस इसके लिए, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और YDAC के रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें ज्यादा जरूरत में आएगा, ठीक है। सेंटर से कितने दूरी पे या कितने नंबर पे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने नंबर पे ब्राइट फ्रिंज पहुंच रहा है, कितने नंबर पे डार्क फ्रिंज पहुंच रहा है, या फिर ऐसे बोल देगा यहां पे टोटल इतने फ्रिंजेस हैं तो कितने ब्राइट फ्रिंज होंगे कितने डार्क फ्रिंज होंगे, वो सब कैलकुलेशन हम इन्हीं फॉर्मूले से कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये तो हमें पाथ डिफरेंस मिल गया, तो यहां पे पी पॉइंट पे अगर डार्क फ्रिंज बन रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, वही 2n पे फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस वही डार्क पॉइंट के लिए, सॉरी 2n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 इंटू पाई ये होगा। और इसके लिए ब्राइट फ्रिंज के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, वही 2n पाई। तो ये कहानी था हमारा डार्क यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ क्वेश्चंस और हमें पूछे जाते हैं जो कि थियोरिटिकल है, उसको भी मैं लिख देता हूं और उसका आंसर भी एक एक करके मैं देते हुए जाऊंगा, ठीक है। क्या क्वेश्चंस है, ये वाला बोर्ड लिख चुके हो, चलो तो यहां पे बात करते हैं कुछ थियोरिटिकल क्वेश्चन की। अब ये जो YDAC का एक्सपेरिमेंट हुआ, यहां पे हम जो लाइट वेव इस्तेमाल कर रहे थे वो कैसा लाइट वेव इस्तेमाल कर रहे थे, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, जिसका सिंगल कलर हो, ठीक है, मतलब एक सिंगल कलर का लाइट इस्तेमाल करता है उसी को हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। यहां पे हम व्हाइट लाइट का, ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त व्हाइट लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, और जनरली हम जो लाइट इस्तेमाल करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में वो ब्लू कलर का लाइट होता है, ठीक है। तो यहां पे पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज किया जाता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट इसलिए यूज किया जाता है, अगर इसका एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहां से वेव्स पास करेंगे, लाइट पास करेंगे ना, इनका पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा हर लाइट के लिए, वेवलेंथ हर लाइट के लिए अलग अलग होता है, तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। और यहां पे जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगे ना, फ्रिंजेस जो हमें मिलेंगे, कैसे फ्रिंजेस मिलेंगे आपको ऐसे सामने से बता दे रहा हूं। मान लो ये आपका सीट है, आपको डायग्राम कैसे देखेंगे, यहां पे कलर, यहां पे डार्क, ऐसे डार्क, फिर कलर, फिर डार्क, फिर कलर, फिर डार्क, फिर कलर, फिर डार्क, ऐसे बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे YDAC में, ठीक है। तो अब अगर यहां पे मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट ना यूज करके पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करता तो क्या हो जाता, यहां पे हमें डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस नहीं मिल पाते, मतलब यहां पे जो कलर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। दूसरा, कोहरेंट सोर्सेस क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोहरेंट सोर्सेस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि दोनों जब या वेव जा रहे हो तो हमें कंस्ट्रक्टिव भी मिल रहा होगा और डिस्ट्रक्टिव भी मिल रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पाने के लिए हमें कोहरेंट सोर्सेस की जरूरत है, अगर हम कोहरेंट सोर्सेस नहीं लेंगे तो हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टिव ही कंस्ट्रक्टिव मिल रहा होगा, मतलब ये बैंड्स, डिस्टिंक्ट बैंड्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए यहां पे हमने कोहरेंट सोर्सेस का इस्तेमाल किया है। दूसरा,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई S1 एंड S2 आर वेरी क्लोज। अब S1 और S2 इसलिए ज्यादा क्लोज होते हैं ताकि अगर ये बहुत दूर कर दे, अगर उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया तो पता नहीं यहां से, अब ऐसा तो नहीं है इधर मैं तो NH बनाया हुआ हूं, लाइट इधर से निकल के इधर से जाके गिरेगा, वो कहीं पे भी जाके गिर सकता है ना। तो अगर ज्यादा दूर कर दूंगा तो फ्रिंजेस जो मिलना होता है वो नहीं मिलेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्यों डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि ये एक लाइट वेव मान लो इधर चला गया फिर इधर चला गया, डिस्टर्बेंस तो पास पास रहेंगे तो एक जगह पे पहुंचने का जो कंडीशन होता है वो अच्छा होता है, इसीलिए S1 और S2 को हम क्लोज रखते हैं। ठीक है, तो ये कहानी था आपका YDAC का। अब YDAC में और एक टॉपिक भी है जो कि है फ्रिंज विड्थ, उसके बारे में बात करेंगे। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है, देखो यहां पे मुझे क्या मिला था, कलर मिला था, फिर डार्क, फिर कलर, फिर डार्क। इसको अगर मैं ग्राफ के फॉर्म में बताऊं तो मुझे क्या ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं, मतलब यहां पे डार्क मिल रहा है, ये डार्क, ये कलर है, ये डार्क है, ये कलर है, ये डार्क है, ये कलर है, ये डार्क है, ऐसे ही तो बैंड्स मिलेंगे, ऐसे ही तो ग्राफ हमें मिलेगा। तो इस दो कंजिक्यूटिव कलर के बीच का डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं क्या, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। और दो कंजिक्यूटिव डार्क पॉइंट के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो वो कितना होगा उसको जरा अभी कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे फ्रिंज विड्थ क्या होता है, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस। ठीक है, अब अगर डार्क फ्रिंज विड्थ बोला जाए तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज होगा, और अगर ब्राइट फ्रिंज विड्थ बोला जाए तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस होगा। तो फ्रिंज विड्थ कैसे निकाल सकते हैं या विड्थ ऑफ फ्रिंज कैसे निकाल सकते हैं, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लो यहां पे वही YDAC का डायग्राम बनाते हैं, मान लो इस पॉइंट पे पी हो रहा था, मैं इसको डार्क मान लेता हूं। ठीक है, यह हो गया मान लो सेंटर, ठीक है यह हो गया सेंटर। तो यहां से पी का डिस्टेंस कितना था, H था। ठीक है, ये हो गया मान लो यहां पे क्या हो गया डार्क, फिर यहां पे हो गया क्या मान लो फिर से डार्क, मान लो ये Q है, यहां पे फिर से डार्क आएगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्राइट फ्रिंज हो जाएगा। ये ब्राइट फ्रिंज होगा, होगा या नहीं होगा, समझ आया या नहीं आया। ये एक पॉइंट है ना, यहां पे P पॉइंट पे हमारा क्या बन रहा था, डार्क पॉइंट बन रहा था। मतलब कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, होगा या नहीं होगा। तो ये अगर डार्क है तो नेक्स्ट डार्क कहां पे बन रहा है, ये पी मान लो क्यू, ये मान लो सेंटर है सी, यहां से यहां तक एच था डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राइट फ्रिंज विड्थ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, समझ आया या नहीं आया। अब चलो, तो पी तक, सी से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, एच। ठीक है, तो यहां पे इसका इस पी पॉइंट का जो हाइट होगा वो कितना होगा, एच डी, और कितने नंबर पे मान लो nth, और Q पॉइंट का क्या हो जाएगा, एच डी एट n से एक पीछे n-1th होगा या नहीं होगा। ये समझ में आया या नहीं आया। तो ये कितना हो जाएगा, W या फ्रिंज विड्थ
फ्रिंज विड्थ विल बी इक्वल टू, विड्थ विल बी इक्वल टू कितना, एच डी एन एथ माइनस एच डी एन माइनस वन टी एच होगा या नहीं होगा। एच डी मतलब हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज और दूसरा हाइट ऑफ डार्क फ्रिंज एच डी मतलब, ठीक है, पहले एन एथ में फिर एन माइनस वन टी एच पे। तो एन एथ पे कितना हो जाएगा, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है फॉर्मूला क्या था, पाथ डिफरेंस कितना था, टू एन माइनस वन इंटू लैम्ब्डा बाय टू इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होगा या नहीं होगा, माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एन के जगह पे क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आएगा या नहीं आएगा, तो टू इंटू एन माइनस वन होल इंटू लैम्ब्डा बाय टू इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होगा या नहीं होगा, समझ में आया या नहीं आया। अब इसको अगर कैलकुलेट करके सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2n इंटू लैम्ब्डा बाय टू, तो n लैम्ब्डा, अच्छा यहां से मैं d बाय टू पहले हटाई देता हूं, हटाई देता हूं, तो अच्छा इसको डायरेक्ट कर लो, 2n इंटू लैम्ब्डा बाय टू क्या हो जाएगा, टू टू गेट्स कैंसिल, n लैम्ब्डा, माइनस वन इंटू लैम्ब्डा बाय टू तो माइनस लैम्ब्डा बाय टू। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2n माइनस टू माइनस वन होल इंटू लैम्ब्डा बाय टू इंटू डी बाय होल इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये होगा या नहीं होगा। मैंने क्या किया, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन ले लिया और कुछ नहीं। उसके बाद इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री होगा या नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एन लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा बाय डी माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एन लैम्ब्डा माइनस थ्री लैम्ब्डा बाय टू होल इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एन लैम्ब्डा माइनस लैम्ब्डा बाय डी माइनस एन लैम्ब्डा प्लस थ्री लैम्ब्डा बाय टू, लैम्ब्डा बाय डी क्यों लिखा हूं मैं, टू होगा यहां पे, सॉरी टू होल इंटू कितना हो जाएगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। एन लैम्ब्डा माइनस एन लैम्ब्डा प्लस एन लैम्ब्डा गेट्स कैंसिल्ड, थ्री लैम्ब्डा बाय टू माइनस लैम्ब्डा बाय टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो टू लैम्ब्डा बाय टू इंटू डी बाय स्मॉल डी होगा, तो टू टू गेट्स कैंसिल्ड तो कितना हो गया, डी लैम्ब्डा बाय स्मॉल डी हो गया। तो जो फ्रिंज विड्थ निकला, फ्रिंज विड्थ कितना निकला, डी लैम्ब्डा बाय स्मॉल डी, तो देयरफॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मेरा कितना निकला, डी लैम्ब्डा बाय स्मॉल डी। अब चाहे तुम डार्क फ्रिंज के लिए निकालो, यहां पे मैंने क्या बनाया, डार्क और इसको भी डार्क लिया। अब मान लो यहां पे ब्राइट होता, इसको मैं ब्राइट बनाता, इसको भी ब्राइट बनाता, तब भी यही फॉर्मूला आता फ्रिंज विड्थ, चाहे आप डार्क के लिए निकालो या ब्राइट के लिए निकालो, फॉर वाईडीएसी दोनों सेम होता है। मतलब फ्रिंज विड्थ यहां पे लिख देना, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज क्या होते हैं, R इक्वल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हमें काम में आएगा क्वेश्चन लगाते वक्त, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे कलर फिर डार्क, फिर कलर फिर डार्क, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो हम क्या बता सकते हैं, एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, और लाइट जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी तो है, तो लाइट अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो हम यहां पे लाइट को गायब कैसे कर हो जा रहा है, वहां पे जो एनर्जी होगा लाइट का वो कहां से गायब हो जाएगा, तो वो गायब नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, यहां से जो लाइट या जो डार्क फ्रिंज आपको मिल रहा है वहां से जो लाइट गया है वो लाइट कहां पे मिल रहा है, यहां पे, मतलब यहां पे जो लाइट मिलना चाहिए वो तो मिल ही रहा है, फिर जो डार्क वाला लाइट है वो भी उसके साथ
ऐड हो जा रहा है, मतलब ये जो फ्रिंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो ज्यादा ब्राइटर होंगे एज कंपेयर टू क्या जो इनिशियल सोर्स से जो लाइट निकल रहा होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट सोर्स जो होगा उससे कहीं ज्यादा होगा यहां पे डार्क ब्राइट फ्रिंज वाला लाइट का इंटेंसिटी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इधर से एनर्जी यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इसी को हम दो लाइनों में लिख लेंगे, एनर्जी इन डार्क फ्रिंज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू ब्राइट फ्रिंज क्यों? ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे ब्राइट फ्रिंज में जो रिजल्टेंट होगा या इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा? आई रिजल्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आई वन का स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन बाय सोर्स वन प्लस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन सोर्स टू प्लस टू आई वन आई टू कॉस फाई। फाई क्या होता है? आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। अब ये अगर देखो यहां पे जो लाइट हमें मिल रहा होगा S1 और S2 वहां पे तो इंटेंसिटी सेम होगा, तब भी आप यहां पे वही फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर यहां पे क्वेश्चन बोल दिया कि दो अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट डाले जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट का इंटेंसिटी कितना होगा, तो यही फॉर्मूला डाल सकते हो। इसलिए मैंने I1 I2 के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया, इसी के बेसिस पे भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसी के साथ आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम इसी YDSE के बेसिस पे और सुपरपोजिशन के बेसिस पे क्वेश्चंस क्या मिल सकते हैं वो करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस में अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।